सिमरिया में लगा रहे एड़ी चोटी का जोर। रीवा के पूर्व विधायक अभय मिश्रा ने 69 दिन में छोड़ी बीजेपी, फिर थामा कांग्रेस का दामन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा से पूर्व विधायक अभय मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। 69 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले अभय मिश्रा फिर कांग्रेस में आ गए हैं। उन्होंने बुधवार की शाम 5 बजे सोशल मीडिया पर इस्तीफा पत्र जारी किया है, जिसमें भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दिए जाने की बात कही है। अपना त्याग पत्र प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को सौंपा है। अभय मिश्रा रीवा जिले की सिमरिया सीट से 208 में विधायक चुने गए। विवादों के चलते 2013 के चुनाव में भाजपा ने टिकट देने से मना कर दिया। ऐसे में अभय मिश्रा ने अपनी पत्नी नीलम मिश्रा को टिकट दिलाकर विधानसभा पहुंचा दिया। वहीं 2015 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अभय मिश्रा सिमरिया क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत कर रीवा के जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे। ये कार्यकाल 2020 तक चला, पर अधिकार 2022 तक मिला रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में अभय मिश्रा ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया। वे रीवा शहरी सीट से राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ चुनाव में उतरे। हालांकि पहली बार कांग्रेस प्रत्याशी को रीवा 50,000 से ज्यादा वोट मिला था, फिर भी 18,000 वोट से अभय मिश्रा चुनाव हार गए। यहाँ राजेंद्र शुक्ल को 69,806 वोट तो अभय को 51,717 मत से संतोष करना पड़ा था। पर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने से अभय मिश्रा ने शराब कारोबार में खूब दौलत कमाई। चुनाव हारने के बाद 4 साल अभय मिश्रा व्यापार में ध्यान दिए, पर प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनने पर धैर्य से कार्य लिया। राजनीतिक भविष्य की तलाश में एक बार फिर सिमरिया से अभय मिश्रा सक्रिय हुए, पर रीवा में कांग्रेस से मिली हार के कारण सिमरिया में टिकट मिलना मुश्किल था। ऐसे में भाजपा नेताओं से नजदीकियां बढ़ाकर बीजेपी में आ गए, शायद सिमरिया से भाजपा टिकट दे दें। बीजेपी से टिकट मिलने के आस टूटने पर उनका बीजेपी से मोह भंग हो गया। उन्होंने अपने पत्र में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने हाथ में जल उठाकर टिकट का वादा किया था, लेकिन अब वो राजेंद्र शुक्ला के दबाव में आकर वादा खिलाफी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने मुझे पहले ही टिकट का आश्वासन दे दिया था, लेकिन मेरा ही विवेक नष्ट हो गया और मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली। क्षेत्र की जनता कांग्रेस के साथ है, इसलिए मुझे महसूस हुआ कि अब जनता के साथ चलना चाहिए। इधर रीवा जिले पब्लिक 11 अगस्त 2023 को अभय मिश्रा का भाषण सुनकर निशाने में ले रही है। भाजपा में घर वापसी के समय अभय मिश्रा ने कहा था कि हमको कोई टिकट नहीं चाहिए, न हमारे घर से कोई चुनाव लड़ेगा, पर यह भाषण 2 महीने में ही बदल गया। अब टिकट के लिए अभय मिश्रा भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ गए। अब तक का राजनीतिक सफर, 2008 अभय मिश्रा भाजपा से विधायक रहे, 2013 पत्नी नीलम मिश्रा भाजपा से विधायक रही, 2015 अभय मिश्रा भाजपा से जिला पंचायत अध्यक्ष बने, 2018 भाजपा से टिकट नहीं मिला, पति और पत्नी कांग्रेस में शामिल हो गए, 2020 तक अभय मिश्रा का कार्यकाल रहा, 2022 कोरोना के कारण कार्यवाहक जिला पंचायत रहे, 2023 11 अगस्त को फिर से भाजपा में शामिल हुए, 2023 18 अक्टूबर को फिर भाजपा से इस्तीफा दे दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।